सारा दिन ही महल में नहीं था क्योंकि उसकी माँ मर गई थी। उसने एक लड़के को यह जिम्मेदारी सौंप दी थी, उसने ही वह खाना बनाया था। जब राजा ने यह सुना तो उसने रसोई को उस लड़के को अपने रसोई घर में नियमित रूप से नौकरी देने के लिए कहा। अब क्या था, राजा के रसोई घर में रोज नए नए पकवान बनने लगे और राजा उनसे खुश होकर उस लड़के को अक्सर भेजे देने लगा। वो लड़का ये सब भेजे और खाना अपनी माँ और अपनी सौतेली माँओं के लिए लेकर जाने लगा। जब ये लड़का महल से कुएं की तरफ जाता था तो रास्ते में एक फकीर पड़ता था जो हमेशा उसे आशीर्वाद देता और उससे भीख मांगता, तो लड़का भी उसको कुछ न कुछ दे ही देता था। इस तरह से फिर कुछ साल निकल गए। लड़का और जवान और सुंदर हो गया कि एक दिन उस नीच रानी की निगाह उस पर पड़ी। वो उसकी सुंदरता देखकर दंग रह गई और उससे पूछा कि वो वहाँ कहाँ से आया था और कब आया था। लड़के को रानी के चरित्र के बारे में कुछ पता नहीं था, न उसे उस पर कोई शक ही हुआ, सो उसने अपने बारे में, अपनी माँ और अपनी सौतेली माँओं के बारे में उसे सब कुछ बता दिया। उसी समय से वो उसकी जान लेने की योजना बनाने लगी। उसने बीमारी का बहाना बनाया और एक हकीम को बुलाया। उसको उसने राजा से यह कहने के लिए रिश्वत दी कि रानी बहुत बीमार है और केवल मादा चीते का दूध ही उसकी जान बचा सकता है। राजा ने जब यह सुना तो वह तुरंत उसके पास आया और उससे कहा, प्रिय, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? हकीम जी कह रहे हैं कि तुम बीमार हो और तुम्हारे इलाज के लिए मादा चीते के दूध की जरूरत है। यह हमें कैसे मिल सकता है? किसकी हिम्मत है जो उसका दूध ला सके? रानी बोली, यह काम वह लड़का कर सकता है जो अपने यहाँ रसोई घर में काम करता है। वो बहुत बहादुर है। तुमने उसके लिए जो कुछ भी किया है उसके बदले में वह यह काम तुम्हारे लिए खुशी खुशी कर देगा। उसके अलावा मैं किसी और को नहीं जानती जो तुम्हारा यह काम कर सके। ठीक है, मैं उसको बुला कर पूछूंगा। लड़का तुरंत ही तैयार हो गया और अगले दिन अपनी इस खतरे भरी यात्रा पर चल दिया। रास्ते में वही फकीर पड़ता था। उसने लड़के से पूछा, किधर चल दिए? उसने राजा का हुक्म फकीर को बता दिया और साथ में यह भी कहा कि राजा की इच्छा पूरी करके उसे कितनी खुशी होगी जिन्होंने उसके ऊपर इतनी दया की है। फकीर बोला, तुम वहाँ मत जाओ। तुम ऐसा काम करने की हिम्मत भी कैसे कर सकते हो? तुम्हें मालूम है कि यह कितनी जोखिम का काम है। पर लड़के को अपनी जिंदगी की चिंता नहीं थी तो फकीर बोला, अगर तुम नहीं मानते तो मेरी सलाह मानो, इससे तुम सुरक्षित भी रहोगे और अपने काम में कामयाब भी होगे। जब तुम किसी मादा चीते को देखो तो एक तीर उसके एक थन में मारना, इससे वह बोल पड़ेगी और पूछेगी कि तुमने उसको तीर क्यों मारा। तब तुम उससे कहना कि यह तीर तुमने उसको मारने के लिए नहीं चलाया बल्कि इसलिए चलाया था ताकि उसके थन में एक छेद हो जाए और उससे दूध आसानी से बह सके। तुम उससे यह भी कहना कि तुमको उसके बच्चों पर दया आती है जो कम दूध की वजह से कमजोर दिखाई दे रहे हैं। फिर फकीर ने उसे आशीर्वाद दिया और उसको उसकी यात्रा पर भेज दिया। इस तरह प्रोत्साहित होकर लड़का खुशी खुशी जंगल की तरफ बढ़ा। जल्दी ही उसको एक मादा चीता मिल गई। फकीर की सलाह के अनुसार उसने तुरंत ही एक तीर उसके एक थन में मारा। जब मादा चीता ने उससे उसके इस तीर मारने की वजह पूछी तो उसने वही कहा जो फकीर ने उससे कहने के लिए कहा था, पर साथ में उसने यह भी कहा कि महल में रानी जी बहुत बीमार है, उनके इलाज के लिए मादा चीते का दूध चाहिए। मादा चीता बोली, मेरा दूध चाहिए और रानी जी को? क्या तुम्हें यह मालूम नहीं कि वह एक राक्षसी है? तुम उससे दूर ही रहना, कहीं ऐसा ना हो कि वह तुमको मार डाले और खा जाए।
लड़का बोला, मुझे उससे कोई खतरा नहीं है, उसकी मुझसे कोई दुश्मनी नहीं है। तब ठीक है, मैं तुम्हें अपना दूध जरूर दूंगी, पर तुम रानी से बच कर रहना। कहकर मादा चीता उसको एक बहुत बड़ी चट्टान के पास ले गई, जो एक चट्टान से टूटकर अलग हो गई थी। वहां जाकर वह बोली, इधर देखो, यहां मैं अपने दूध की एक बूंद गिराती हूँ। कहकर उसने अपने दूध की एक बूंद उस चट्टान पर गिरा दी। तुरंत ही वह चट्टान टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गई। वो फिर बोली, तुमने देखी मेरे दूध की ताकत, पर अगर रानी जितना दूध मैं तुम्हें दे रही हूँ वह सब भी पी जाएगी, तो भी उसका उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि वह राक्षसी है और ऐसी चीजों का उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। अगर तुमको मेरा विश्वास न हो तो तुम खुद देख लेना। मादा चीता का दूध लेकर लड़का वापस लौट आया और वह दूध उसने राजा को दे दिया। राजा उसको अपनी पत्नी के पास ले गया। रानी ने वह सारा दूध पी लिया और कहा कि वह अब ठीक हो गई। राजा उस लड़के से बहुत खुश हुआ और अपने महल के नौकरों में उसकी तरक्की कर दी। पर रानी का उद्देश्य तो अभी पूरा नहीं हुआ था, वह तो उसको मारना चाहती थी और वह अभी भी जिंदा था। वह फिर सोचने लगी कि वो उसको राजा को बिना गुस्सा किए कैसे मार सकती थी। कुछ दिनों के बाद उसने बीमारी का फिर से बहाना किया और राजा को बुलाकर उससे कहा, लगता है मैं फिर बीमार पड़ गई हूँ, पर तुम चिंता ना करो, मेरे दादा उस जंगल में रहते हैं जहाँ से यह मादा चीते का दूध लाया गया था। उनके पास एक खास दवा है, शायद मैं उससे ठीक हो जाऊं। अगर तुम मंगवा सकते हो तो वह दवा मुझे मंगवा दो। वो लड़का जो मेरे लिए यह दूध लेकर आया था वही वहां भी जा सकता है और वह दवा उनसे ला सकता है। सो वो लड़का दोबारा रानी के दादा से दवा लाने के लिए भेज दिया गया। रास्ते में फिर से फकीर पड़ा तो फकीर ने उससे फिर पूछा, किधर चले? लड़के ने फिर से सब कहानी उसको सुना दी। फकीर बोला, तुम वहां मत जाओ, वह आदमी तो राक्षस है, वो तुम्हें खा जाएगा। लेकिन लड़का तो पिछली बार की तरह से फिर से अपनी जिद पर अड़ा रहा। फकीर बोला, तो ठीक है जाओ, मगर मेरी सलाह सुनते जाओ। जब तुम उस राक्षस को देखो तो उसको नाना जी कहकर पुकारना, वो तुमसे अपनी पीठ खुजलाने के लिए कहेगा तो तुम उसकी पीठ जरूर खुजलाना और बहुत ही जोर से खुजलाना। लड़के ने वायदा किया कि वह वैसा ही करेगा और जंगल की तरफ चल दिया। जंगल बड़ा था और घना था, उसको लगा कि वह तो उस राक्षस तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। पर तभी उसको उस राक्षस का मकान दिखाई दे गया और साथ में राक्षस भी। उसको देखते ही वह तुरंत चिल्लाया, नाना जी मैं आपकी बेटी का बेटा हूँ, मैं आपसे यह कहने आया हूँ कि आपकी बेटी बहुत बीमार है और वह जब तक ठीक नहीं हो सकती जब तक कि वह दवा न ले जो आपके पास है, उन्होंने मुझे इसीलिए आपके पास भेजा है, मेहरबानी करके वह दवा मुझे दे दीजिए। राक्षस बोला, ठीक।